नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग एडीजे के एग्ज़ाम की। तो एडीजे के इस एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने एक फी पैम्पलेट जो है यहाँ पे लगा रखा है, एक कोर्स का पैम्पलेट मैंने यहाँ पे लगा रखा है। आइए इस कोर्स के बारे में चर्चा करते हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी एचजेएस की और बिहार एचजेएस की। अभी हाल ही में हमारे सामने दो एग्ज़ाम आने वाले हैं, एक आ रहा है हमारे पास यूपी एचजेएस और एक आ रहा है हमारे पास बिहार एचजेएस। ठीक है, इन दोनों के रैपिड रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ये रैपिड रिवीजन बैच क्या है? देखिए, हमारे पास दो तरह के बैच चलते हैं। एक बैच होता है फाउंडेशन और एक होता है रैपिड। फाउंडेशन बैच में फाउंडेशन का नाम ही होता है फाउंडेशन, जीरो से लेकर जेड तक। और रैपिड रिविजन का मतलब होता है कि आप पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं और नाउ आप बहुत समय हो गया, आप वापस उसको रिकॉल नहीं कर पाए, जस्ट एक रिकॉल कराने का पर्पज। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में एक बैरेक्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर कैसे आपको पढ़ाया जाएगा? जैसे मेरे हाथ में एसआरए, हम बात करेंगे एसआरए के अंदर टोटल नंबर पास तीन पार्ट होते हैं जो कि डिवाइडेड 44 सेक्शन के अंदर है। हम बात करते हैं इसके अंदर तीन पार्ट में से टोटल चैप्टर हमारे पास एट है। पार्ट नंबर वन कहता मैं प्रीलिमिनरी हूँ, मैं वन टू का फोर हूँ। पार्ट नंबर टू कहता मैं स्पेसिफिक रिलीफ हूँ, जिसके अंदर चैप्टर नंबर वन आपका कहता है रिकवरी पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि 5 to 8 है। पार्ट नंबर टू है जो बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 9 से लगाकर सेक्शन नंबर 25 तक है। पार्ट नंबर थ्री है जो बात करता है लिखतों की परिशुद्धि करता हूँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 26 है। पार्ट नंबर फोर है जो बात चैप्टर फोर है जो बात करता है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 27 से 30 तक, फिर आता चैप्टर नंबर 5 है हमारा कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट 31 से 33, चैप्टर नंबर 6 है हमारा डिक्लेरेटरी डिक्री 34 से 35। आप कहेंगे मैं चैप्टराइजेशन क्यों करा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ भी हाल ही में मैंने एमपी हायर जुडिशियल एग्जाम दिया है और जहाँ पर बकायदा क्वेश्चन पूछा था चैप्टर नंबर 6 किससे रिलेटेड है, तो चैप्टराइजेशन भी पूछते हैं। देर आता है पार्ट नंबर 3 कहता मैं प्रिवेंटिव रिलीफ हूँ, जिसके अंदर आता है आपके पास चैप्टर नंबर 7 जो बात करते हैं इंजेक्शन जनरली 36 से 37 है। चैप्टर नंबर 8 आता है परपेचुअल इंजेक्शन 38 से 42 एंड 43 एंड 44 इज द रिपेल, इज एक शेड्यूल है इसके अंदर। देन आता है एस आर ए जो है 1963 है, एक्ट नंबर इसका 47 है, सिग्नेचर डेट इस पर 13 दिसंबर 1963 है, कमेंसमेंट इसका 1 जनवरी 31 कमेंसमेंट इसका 1 मार्च 1964 को हुआ है और ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है 31 अक्टूबर 2019 से। फर्स्ट टाइम जो एस आर ए हमारा बना था वो बना था 1877। एस आर ए हमारा जो कॉन्किन लिस्ट का सब्जेक्ट है, सो इस पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। सेक्शन 1 कहता मैं शॉर्ट टाइटल हूँ, मैं एक्सटेंड कमेंसमेंट हूँ, मेरा नाम एस आर ए है 1963, मेरा एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में और मैं उस डेट को आया हूँ जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे प्रेस्क्राइब किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे डेट दी है 1 मार्च 1964। सेक्शन 2 कहता मैं डेफिनेशन हूँ, 2A कहता ऑब्लिगेशन, पहला प्री का क्वेश्चन आता है ऑब्लिगेशन में क्या इंक्लूड है, ऑब्लिगेशन में आपका इंक्लूडेड ड्यूटीज। और जब हम बात 2A की करते हैं जहाँ ऑब्लिगेशन में ड्यूटीज होती है, तो ऑब्लिग करके लिखेंगे सेक्शन 38 और सेक्शन 38 में आपको मिलता है परपेचुअल इंजंक्शन। बी कहता है मैं हूँ सेटलमेंट, यहाँ से दूसरा प्री का क्वेश्चन बनता है सेटलमेंट किस किस का नहीं होता है, तो आपके जो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर जबकि कोडिसाइल और विल है उनका नहीं होता, उसके अलग अदर देन मूवेबल और इमोवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी मैटर उनका सेटलमेंट यहाँ पे करवाया जा सकता है। देन टू सी कहता मैं ट्रस्ट हूँ और ट्रस्ट का वही मतलब है जो ट्रस्ट एक्ट के चैप्टर नंबर 9 के अंदर दिया गया है। और डी कहता है ट्रस्टी, और ट्रस्टी में कौन पर्सन आता है, ट्रस्टी में ऐसा पर्सन आता है एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट, जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है वो ट्रस्टी है। इसी तरह से ट्रस्टी की हम एक डेफिनेशन जो है हम पढ़ते हैं, कहाँ पर हम पढ़ते हैं लिमिटेशन एक्ट में, लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 2 का एन फॉर नागालैंड 2N के अंदर कहा गया है ट्रस्टी में कौन इंक्लूड नहीं है, तो वहाँ पे तीन लोग इंक्लूड नहीं होते, पहला आपका बेनामीदार, दूसरा आपका मॉर्गेजी जिसका की पेमेंट हम चुका चुके हैं, और तीसरा आता है रॉन्गफुल पोजीशन रखने वाला पर्सन उसमें नहीं आता है। देन आता है नंबर 4, नंबर डी कहता है कि वर्ड एंड एक्सप्रेशन जो यहाँ पे दिए गए पर यहाँ पे नहीं बताए गए वो आप जाके कहाँ से पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। सेक्शन 3 कहता है सेविंग्स में कहाँ अप्लाई नहीं होगा, नंबर ए कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अदर देन यदि कोई रिलीफ चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है तो वहाँ यहाँ पे नहीं आएगी, और जहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई होता है ऐसा कहता है मैं अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन नंबर 4 कहता है मैं सिर्फ यहाँ पे सिविल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए आया हूँ, ना कि क्रिमिनल राइट्स को, तो यहाँ पे मैं सिर्फ सिविल को अप्लाई होगा, क्रिमिनल को नहीं। ये आरजेएस में 2013 में आया हुआ है, प्री का क्वेश्चन आता रहता है। देन हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की। सेक्शन 5 कहता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब जनरली आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का चाहिए तब सेक्शन 5 एसआरए में चले जाएंगे, लेकिन सेक्शन 6 कहता है कि जब किसी भी पर्सन को उसकी कंसेंट के बिना अनलॉफुली अगर उसको पोजीशन से डिसपोजिश करते तो सेक्शन 6 कहता है आप हमारे पास आ जाइए। सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 कहता है कि कौन कौन सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है जिसके पास लीगली पोजीशन था, उस लीगली पोजीशन को वहां से आपने डिसपोजिश किया उसके कंसेंट के बिना वो कर सकता है, या उसका राइट जिसको डिराइव होता है वो कर सकता है,
सकता है या जिसके थ्रू आपने वो पोजीशन लिया वो यहाँ पर केस कर सकता है। नंबर टू कहता है केस कब किया जाएगा, कब सूट कब इंस्टीट्यूट होगा, कब नहीं, तो विद इन सिक्स मंथ में किया जाएगा, आफ्टर सिक्स मंथ नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन थ्री कहता है कि सबसेक्शन नंबर सिक्स के अंदर जो ऑर्डर पास किया गया उस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या रेमेडी अवेलेबल है, तो इन्होंने कहा ना तो उसकी अपील होगी और ना ही उसका रिव्यू होगा। इट्स मीन आपको अलग से लिखना पड़ेगा, उसका रिविजन हो सकता है। और देन चैप्टर नंबर फोर कहता है कि आप अपने पोजीशन के लिए आप सेक्शन सिक्स के एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप सीपीसी के सेक्शन टेन में भी जा सकते हैं, आप दो एक साथ कर सकते हैं। देखो टेन यहाँ नहीं लिखा तो एक्स्ट्रा चीज मैं आपको लिखाऊंगी, आप सीपीसी के सेक्शन टेन में भी जा सकते हैं, तो रे सब्जुडाइस नहीं लगेगा, दो इंस्टीट्यूट एक साथ कर सकते हैं। अब ये तो गया आपका सेक्शन खत्म। अब इसके अलावा प्री के और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं सेक्शन सिक्स में। नंबर वन क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए विद इन सिक्स मंथ आप यहाँ नहीं आते, देन आपके पास फर्दर रेमेडी क्या है, तो आप सेक्शन फाइव के अंदर सिविल सूट लगा सकते हैं। तो आफ्टर सिक्स मंथ आप अपने पोजिशन की रिकवरी के लिए क्या कर सकते हैं, आप पोजिशन की रिकवरी के लिए जो है सेक्शन नंबर फाइव में जा सकते हैं। और सेक्शन फाइव में आप कितने साल के अंदर जा सकते हैं, ये बात लिमिटेशन एक्ट में लिखी हुई है, आप 12 ईयर्स के अंदर कभी भी जा सकते हैं, 12 साल के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे 6 महीने लेकिन वहाँ पे 12 ईयर्स दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि क्या सेक्शन सिक्स टाइटल की बात करता है, सेक्शन सिक्स टाइटल की बात नहीं करता, इसके लिए आपको केस लिखना पड़ेगा, अब्दुल रहीम वर्सेस हाजी 1997। फिर आता है आपके पास तीसरा क्वेश्चन आता है आपके पास यहाँ पे कि क्या एक ट्रेसपासर, देखो ये बाकी जो मैं एक्स्ट्रा आपको प्री के क्वेश्चन लिखा रही हूँ इसमें नहीं लिखे, वो आपको एक्स्ट्रा लिखाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या सेक्शन सिक्स के अंदर क्या किसी ट्रेसपासर को बी सेक्शन सिक्स का बेनिफिट मिलता, तो याद रखना एक ट्रेसपासर को आप उसी समय हटा सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेसपासर का पोजीशन हो जाता है तो आफ्टर पोजीशन आप लीगल प्रोसीडिंग के बिना ट्रेसपासर को नहीं हटा सकते। माना वो ट्रेसपासर है, आप जाइए आप क्रिमिनल केस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ट्रेसपासर को उसकी कंसेंट के बिना हटाया तो सेक्शन सिक्स में वो ट्रेसपासर जिसका पोजीशन कंप्लीट हो चुका है वो भी यहाँ पर सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। फिर उसके बाद आपके पास आएगा केस का नाम, केस का नाम है राम रतन वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 1977 के केस में कहा गया है कि जब एक ट्रेसपासर एक बार अपना पोजीशन कंप्लीट कर लेता है तो ना उसको आप जो है लीगल उसको वहाँ पर डिसपोजेस नहीं कर सकते, अगर करते तो सेक्शन सिक्स का बेनिफिट मिलेगा। हाँ यदि वो ट्रेसपासर है आपको लगता है आप आईपीसी का केस कीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है। अब आता हु इज ए ट्रेसपासर, तो ट्रेसपासर की डेफिनेशन भैयालाल वृंदावन वर्सेज ट्रेसपासर की डेफिनेशन जो है आपकी दी गई है भैयालाल वृंदावन वर्सेस पन्नालाल भागीरथी के केस में दी गई है 1937 में, इन्होंने बताया हु इज अ ट्रेसपासर। तो ये कानून कहता है कि ट्रेसपासर को आप जब ट्रेसपास करा आप उसी समय वहाँ से उसको हटा सकते हैं, लेकिन यदि उसने एक बार पोजीशन ले लिया तो उस पोजीशन के बाद आप उसको फिर ऐसे नहीं हटा सकते, उसको फिर आप लीगल प्रोसीडिंग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसका मतलब जब एक ट्रेसपासर के पास एक पोजीशन कंप्लीट हो जाता है तो सेक्शन सिक्स का बेनिफिट उसको भी दिया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं अगला क्वेश्चन आता है कि सेक्शन नंबर सिक्स में टाइटल का क्वेश्चन इरेलेवेंट होता है, केस का नाम है मिस अनिता वर्सेस वंदना 2019, और सेक्शन सिक्स कहता है कि यहाँ पे कोई भी जो है टाइटल का क्वेश्चन नहीं उठेगा। और देन आता है सेक्शन सिक्स का केस कब कर सकते हैं, तो केस आया है महावीर प्रसाद जैन वर्सेस गंगा सिंह 1998 में कहा गया एक्चुअल पोजीशन होने पर ही किया जाएगा अन्यथा नहीं। तो इस तरह से हमारा जो है रैपिड रिवीजन कोर्स चलता है जिसमें मोटे मोटे जो भी क्वेश्चन बनते हैं मेन मेन बात क्या है वो बताई जाती है, इस तरह से हम लोगों का रैपिड रिवीजन कोर्स चलता है। तो वो लोअर जुडिशरी का भी चलता है, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, जिन जिन का कोर्स कंप्लीट होगा वो आप एक साथ ले सकते हैं। किसके साथ ले सकते हैं आप एक साथ, आप ले सकते हैं उसमें रिकॉर्डिंग लेक्चर ले सकते हैं, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, मान लीजिए आपने कोर्स की इन्फॉर्मेशन बाद में दी तो केवल रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास रैपिड रिवीजन कोर्स अवेलेबल स्टार्ट होने वाला है हमारे पास यूपी और बिहार हायर जुडिशरी का, जो कि प्री के एग्जाम के लिए आपके लिए फ्रूटफुल होगा। सिर्फ और सिर्फ लॉ के रैपिड रिवीजन कोर्स होगा, इसमें जीके जीएस नहीं होगी, साइंस वाइंस नहीं होगी, सिर्फ लॉ के लिए पढ़ाया जाएगा। तो इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होगी, कैसे कितने बजे कितने घंटे का क्लासेस होगी, इसका टाइमिंग क्या होगा, इन सब की जानकारी के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों के रैपिड रिवीजन जैसे भी मैंने पढ़ा है लोअर जुडिशरी का भी चलता है, हायर जुडिशरी का भी चलता है, क्योंकि समय आपके लोग कितने पास होता है। साथ ही साथ रिकॉर्डिंग सबसे अच्छी बात है, आज का रिकॉर्डिंग होगी, प्लस जिस दिन हम पढ़ेंगे उस दिन का प्री का क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेगा, चित्ता पाठ आपको पढ़ा जाएगा उसका जो है पेपर भी आपको मिलेगा। और इस कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।